फरीदाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी देकर पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए। वहीं जांच में जुटी पुलिस ने जब पूरे मामले का खुलासा किया तो इसमें पति पत्नी और वो का एंगल निकला। दरअसल फरीदाबाद में पत्नी के प्रेमी को सबक सिखाने के चक्कर में पति ने ये पूरी साजिश रची। मामला फरीदाबाद का है, जहां सराय मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर पुलिस को पत्र मिला जिसमें मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी भरा पत्र मिलते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया और जब सच सामने आया तो सभी हैरान रह गए। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इस युवक पर आरोप है कि उसने फरीदाबाद के सराय मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी। इस धमकी के पीछे की कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल रामवीर नाम के इस युवक को शक था कि उसकी पत्नी का मनीष नाम के युवक के साथ अफेयर चल रहा है। शक तब और भी पुख्ता हो गया जब उसने अपनी पत्नी को मनीष से फोन पर बात करते हुए सुना। बस उसके बाद आरोपी रामवीर ने ये साजिश रच डाली। ये रामवीर नाम का आरोपी यूपी मुरादाबाद का रहने वाला है। उसको काबू किया है हमारी मेट्रो पुलिस स्टेशन ने और इसकी अभी पूछताछ जारी है CIA बॉर्डर द्वारा, जो हमारी दोनों टीम इस पर पूछताछ कर रही है। उस प्रारंभिक पूछताछ में पता लगा है कि आरोपी रामवीर मुरादाबाद से यहाँ पे आया था। इसकी वाइफ जो 8 जुलाई को घर से बिना बताए यहाँ पर नौकरी करने आ गई थी, तभी से वो यहाँ रह रही थी। वो ये 27 जुलाई को यहाँ पे आया है अपने पति से मिलने, पत्नी से मिलने, और इसको पता लगा कि इसकी वाइफ के संबंध किसी लड़के से हैं, जो एक नंबर था इसकी वाइफ के फ़ोन में आता था बार बार, उससे उसकी वाइफ बात करती है। तो इसको शक हुआ कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है और इसने अपनी पत्नी के मोबाइल से उस लड़के के मोबाइल नंबर ले लिए और उसके नाम से एक लेटर लिखा उसने कि हम सराय मेट्रो स्टेशन पर को उड़ा देंगे। और इसके अलावा उसने एक कैशवैन पे भी एक नंबर लिखा हुआ था, जो कैशवैन पे हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है, कि हम इस वैन को भी, हम जो बैंक के कैशवैन थी इसको भी हम लूट लेंगे और इसमें जो पैसा मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। तो उसने पुलिस को मिसगाइड करने के लिए और अपने पत्नी के प्रेमी को पत्नी से दूर करने के लिए इसने ये षड्यंत्र रचा था, जिस षड्यंत्र में ये पुलिस के हाथों खुद ही पकड़ा गया। और ये अपने कि वो लेटर लिखने के बाद और जो इसके पत्नी का जो प्रेमी था उसका मोबाइल नंबर इसने लेटर में लिखा और इसने मेट्रो स्टेशन के वहाँ सीढ़ियों पे छोड़ दिया एस्केलेटर के वहाँ पर। ये लेटर CI सबको मिला और मेट्रो पुलिस स्टेशन ने जिसकी जाँच की और मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ मेट्रो पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। TV सीरियल वगैरह और जो ये जो दूसरे जो CID वगैरह किस तरह के सीरियल देखता था, उससे उसको आइडिया है कि वो अपनी पत्नी के प्रेमी को उससे दूर कैसे करे। इससे उसको आइडिया आया, अब भी मैं इस तरह का लेटर लिख के उसके नाम से और उस पर डाल दूंगा तो पुलिस उसको पकड़ लेगी और वो उसकी पत्नी से वो दूर हो जाएगा। तो इस वजह से उसने अपना दिमाग को ऐसे यूज किया जिसमें खुद ही फंस गया। पुलिस के मुताबिक मनीष के कारण ही पति पत्नी दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और बाद में रामवीर ने सराय ख्वाजा मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी भरा पत्र लिखा और उसके नीचे मनीष का मोबाइल नंबर लिख दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने बैंक की कैश वैन को लूटने के संबंध में भी पत्र लिखा और उसके नीचे भी मनीष का नंबर लिख दिया। आरोपी ने पत्र लिखकर उसे मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के पास रख दिया। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पंजाब के CCTV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।